टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे DIY तोरण, डोर तोरण हम बनाएंगे। ये बची हुई लेस पड़ी थी मेरे पास, आप कोई भी लेस ले सकते हैं, थोड़ी सी चौड़ी होगी तो और भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने अपनी डोर की जो चौड़ाई है वो नाप लेनी है, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर में एक निशान लगा रही हूँ और फिर दो दो इंच करके निशान लगा रही हूँ। और हमने इसकी हैंगिंग्स बनानी है यहाँ पे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें, और साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे दो दो इंच का गैप करके निशान लगा लिया था, और ये मेरा सेंटर है, और सेंटर में हम हैंगिंग्स बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बीड्स। ये बीड्स क्रीम कलर की हैं जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर की बीड्स, और ये कुछ पर्ल्स हैं, मोटे वाले पर्ल्स हैं, हार्ट शेप की बीड्स हैं, और यहाँ पे मल्टी कलर की बीड्स हैं, और हम यहाँ यूज़ करेंगे पॉम पॉम यूज़ करेंगे हम, और ग्रीन कलर की बीड्स, जो छोटी वाली बीड्स आती हैं वो यूज़ करेंगे। आपके पास कोई भी बीड्स हो तो आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैंने बीड्स का थीम लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं, जैसे कि हम घर में पॉम पॉम बना के भी इसको हैंगिंग्स को बना सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वूल हो तो आप इसके पॉम पॉम्स घर पर बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक बाउल में इनको थोड़ा थोड़ा निकाल लिया है, और मैं सेंटर का पहले हैंगिंग करूंगी, और सेंटर की हैंगिंग सबसे छोटी रहेगी, मिडल में रहेगी आपके डोर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ डालूंगी पॉम पॉम, और उसके बाद एक एक करके मैं पर्ल, हार्ट शेप और बीड्स डाल दूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सेंटर की हैंगिंग बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने पॉम पॉम लिया है, फिर मैंने एक एक बीड डाल के बड़ा वाला पर्ल, छोटा वाला पर्ल, और फिर हार्ट डाला है। और यहाँ पे मैंने जो छोटे वाले मोती लिए हैं वो 7-7 के काउंट करके लिया है। तो यहाँ पे मैं एक ही बार 7 का काउंट करके ग्रीन कलर का डालूंगी, और उसके ऊपर मैं एक छोटा सा पॉम पॉम फिर से डालूंगी, और एक मल्टी कलर का बीड डालूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे भी आपके पास बीड्स अवेलेबल हों उस हिसाब से आप इसको प्लान आउट कर सकते हैं, और एक पैटर्न सा बना सकते हैं कि किस तरह से आप एक हैंगिंग बनाएंगे। तो ये मेरे सेंटर की हैंगिंग तैयार हो गई है, और इसको मैं सुई धागे से यहाँ पर स्टिच कर दूंगी। और फ्रेंड्स, ये लेस मेरे पास घर पे ही पड़ी थी, मैंने बाज़ार से नहीं ली। अगर आपके पास पड़ी हो घर पे तो आप चौड़ी लेस थोड़ी सी आती है वो लेंगे तो और भी अच्छा होगा। और उससे क्या है कि वो थोड़ा सा चौड़ा जो ऊपर पैटर्न रहेगा उस पर हम और भी बीड्स वगैरह लगा के अच्छे से वर्क कर सकते हैं। मेरे में गोल्डन का वर्क है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ये एक सेंटर की हैंगिंग रेडी हो गई है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगी कि सेकेंड कैसे मैंने बनानी है, और जो सेकंड मैं बनाऊंगी उसी के हिसाब से मैं बाकी की हैंगिंग्स बनाऊंगी। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि सेकंड मैंने कैसे बनाई है। फर्स्ट वन यूनिक थी, सेंटर में थी, तो इसलिए मैंने यूनिक बनाई। बाकी की जो बनाऊंगी मैं सारी सेम बनाऊंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने पॉम पॉम डाला है, उसके बाद मैं यहाँ पर 7 मोती ले रही हूँ ग्रीन कलर के, उसके बाद मैं मल्टी कलर का मोती लूँगी, और उसके बाद मैं लूँगी 7 वाइट कलर के बीड्स। तो इसी तरह से आपने ऑल्टरनेट कलर के मोती लेने हैं, और बीच बीच में हम मल्टी कलर का मोती डालेंगे, और फिर हम डालेंगे एक पर्ल डालेंगे, एक हार्ट शेप का मोती डालेंगे, और लास्ट में हम पॉम पॉम डालेंगे ऊपर, और उसके बाद फिर से हम एक मल्टी कलर का मोती डालेंगे और उसको हैंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जो सेकेंड हैंगिंग मैंने बनाई है इसी के सेम पैटर्न में हम और हैंगिंग्स बनाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम डायरेक्ट उसी से ही धागे से ही इसको अपने धागे में डाल रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो टाइम कम लगता है बहुत इजीली और जल्दी हो जाता है। तो आई एम फीलिंग कंफर्टेबल टू डू इट लाइक दिस, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे किया है। आप चाहें तो हाथ में रख के मोती कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल। तो आप देख सकते हो कि ये हैंगिंग बन गई है, और हैंगिंग बनने के बाद हम इसको लगा देंगे। सेम हैंगिंग हमने दूसरे साइड में बनानी है, और जब हमारी दोनों सेम हैंगिंग्स बन जाएंगी फिर उसके बाद, फ्रेंड्स मैंने सारी हैंगिंग्स बना ली हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने बनाई हैं। तो पैटर्न सेम है, बस जो मल्टी कलर के जो मोती हैं उसमें मैंने दो दो काउंट इंक्रीज़ कर दिया है। तो इक्वल डिस्टेंस के जो हमारी हैंगिंग्स होंगी वो बड़ी होती जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सेकेंड आप देख रहे हो वो इस तरह से दिख रही है, और जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये इतना डिस्टेंस है, और अगर मैं दूसरी हैंगिंग रखती हूँ आप देख सकते हो कि ये सेम डिस्टेंस है।
एंड देन थर्ड में आप देखेंगे कि दो मोती मैंने और ज़्यादा रख दिए हैं नीचे से, दो मल्टी कलर के मोती और सेवन सेवन मोती, तो उससे उसकी डिस्टेंस बढ़ गई है। इसी तरह से हम बाकी की हैंगिंग्स को इस तरह से लगाएंगे। मैं अभी आपको लगा के दिखा रही हूँ, और लगा के दिखाने के बाद मैं इसको स्टिच कर दूंगी, और स्टिच करने के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैंगिंग बनी है। आपके पास जो अवेलेबल है आप इस पैटर्न को बना सकते हैं। और यहाँ पे टोटल 17 हैंगिंग्स लगी हैं, एक मिडल में जो थी सिंगल, और बाकी आठ आठ इस दोनों साइड लगी हैं 2 इंच के डिफरेंस में। तो आप जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मेरे डोर का मेज़रमेंट था। अगर आपके जो डोर है चौड़ा है या छोटा है, आप मेज़र एक बार कर लें, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने डिस्टेंस रखना है बीच में या कितनी लंबाई में आपने लेस लेनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर ये हैंगिंग्स बनी हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें, और साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ का आप मिस ना कर पाएँ। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।